What matters the most? Bharat matters. जैन एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, खरीद और बिक्री हमेशा से ही मानव सभ्यता का हिस्सा रही है। किसी समय बार्टर सिस्टम से किया जाने वाला चीजों का आदान प्रदान वक्त के साथ कॉइन्स, पेपर करेंसी से होते हुए आज डिजिटल पेमेंट से किया जा रहा है। लोग अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी इनकम के अनुसार अलग अलग तरह की चीजें खरीदते हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी जरूरत सभी को होती है। हर इंसान, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप का हो, इस तरह के कुछ पर्टिकुलर गुड्स को खरीदता है। ऐसे गुड्स को FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। असल में FMCG का अर्थ ऐसे गुड्स से है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान को जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे हेयर ऑयल और टूथपेस्ट, हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे सोप, या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। 1980s तक इंडियंस की लो परचेजिंग पावर के चलते देश में FMCG इंडस्ट्री को फ्लरिश होने का मौका नहीं मिला, लेकिन 1980 के बाद जब लोगों की इनकम पहले से बेहतर हुई तो FMCG प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। 1991 में ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आने के साथ सरकार के रवैये में भी बदलाव आया। अभी तक जहां सरकार लोकल शॉप्स और रिटेलर्स को प्रेफर करती थी, वहीं अब FMCG इंडस्ट्री को बढ़ावा देने लगी। नतीजा ये हुआ कि बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में वाइडर स्केल पर ऑपरेट करने का रास्ता खुल गया और आज एक लंबा सफर तय करते हुए FMCG इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक बन चुकी है। IBEF के डेटा के अनुसार दिसंबर 2022 में इंडिया में FMCG मार्केट लगभग $57 बिलियन तक पहुंच चुकी है। हालांकि पहले इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स सामान्य जनरल स्टोर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचते थे, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या ये थी कि लोगों के पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते थे। लोगों को उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था जो उस पर्टिकुलर शॉप पर अवेलेबल होता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। सुपरमार्केट यानी एक ऐसा बड़ा सा स्टोर जहां पे एक रूफ के नीचे मल्टीपल ब्रांड्स के कई सारे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराया जाए। ऐसा ही एक सुपरमार्केट ब्रांड है डीमार्ट यानी दमानी मार्ट, जिसे किसी समय 2001 में लॉन्च हुए बिग बाजार के कंपटीशन के रूप में लॉन्च किया गया था। हालांकि आज जहां बिग बाजार इतने सालों के डोमिनेंस के बाद भी कहीं ना कहीं अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा है, वहीं डीमार्ट लगातार सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2002 में एस्टैब्लिश हुए इस सुपरमार्केट ब्रांड का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज लगभग $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ लास्ट ईयर के फाइनल क्वार्टर में डीमार्ट का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का था, जिसमें साल 2021 के लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 24.71% का जंप देखा गया। यही कारण है कि आज डीमार्ट देश का मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेलर बन गया है। दोस्तों, डीमार्ट की सक्सेस स्टोरी अमेजिंग रही है और आज के इस वीडियो में हम डीमार्ट की इसी सक्सेस स्टोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे डीमार्ट अस्तित्व में आया और किन किन रास्तों को अपनाते हुए वो इस सुपरमार्केट ब्रांड को सक्सेसफुली बना पाया है। डीमार्ट का वो कौन सा बिजनेस मॉडल है जिसके आगे बाकी सभी सुपरमार्केट ब्रांड्स फेलियर साबित हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। डीमार्ट की शुरुआत साल 2002 में राधा कृष्ण दमानी द्वारा की गई, जब उन्होंने मुंबई के पुवई में डीमार्ट का पहला स्टोर लॉन्च किया। डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी ASL के अंडर आने वाली एक सब ब्रांड है। ASL के और भी सब ब्रांड्स हैं, जैसे डीमार्ट प्रीमिया, डीमार्ट डच हार्बर, डीमार्ट मिनीमैक्स और डी होम्स। मुंबई से शुरू हुई इस सुपरमार्केट चेन के आज ऑल ओवर इंडिया 324 स्टोर्स हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़, NCR और राजस्थान में डीमार्ट की वेल एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस है। करेंटली ASL का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,58,031 करोड़ रुपीस का है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में डीमार्ट अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। डीमार्ट का नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.7% है, जो कंज्यूमर्स को दिए जा रहे हाई डिस्काउंट्स के बाद भी अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा है। 2022 के लास्ट क्वार्टर में ASL ने जहां 8,606 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, वहीं 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ये 20% बढ़कर 10,337 करोड़ पहुंच चुका है। इसके प्रॉफिट्स भी लास्ट क्वार्टर के 552 करोड़ से बढ़कर 590 करोड़ हो चुके हैं। इस प्रॉफिट की वजह से ASL के स्टॉक्स भी शेयर मार्केट में खूब डिमांड में है। 2017 में जब ASL का IPO लॉन्च किया गया तो उस समय इसके शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में 604 रुपीज 40 पैसे पर शेयर पर लिस्ट हुए थे, जो आज 3500 के करीब पहुंच चुके हैं और अभी तक ये अपने इन्वेस्टर्स को 537% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है।
आज डीमार्ट ना सिर्फ प्रॉफिटेबल है बल्कि साथ ही मार्केट में सबसे वेटरन कॉम्पिटिटर्स यानी बिग बाजार और रिलायंस से सक्सेसफुली कम्पीट भी कर पा रहा है। डीमार्ट का ऑपरेशन सिस्टम बेहद सिंपल है। ये ब्रांड एक पर्टिकुलर चीज पर हाईली फोकस्ड है, वो है अपने कस्टमर्स को एमआरपी से लोअर प्राइस पर गुड्स अवेलेबल करवाना। डीमार्ट पर एमआरपी से कम प्राइस पर मिलने वाले गुड्स न सिर्फ इस कंपनी की यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी यूएसपी है, बल्कि ये स्पेशल प्राइस पॉइंट करोड़ों कंज्यूमर्स को डीमार्ट की ओर मोबिलाइज भी करता है। हालांकि डीमार्ट की सक्सेस के कई और भी इम्पोर्टेंट कारण हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर डीमार्ट बाकी सुपरमार्केट चेन से ऐसा क्या अलग करता है जिसके चलते आज ये रिटेलर करोड़ों लोगों की पहली पसंद बन चुका है। दोस्तों, डीमार्ट ज्यादातर एफएमसीजी में डील करता है। कारण है एफएमसीजी का काफी लो मार्जिन के साथ साथ हाई वॉल्यूम सेल्स वाला सेगमेंट होना। इसका मतलब रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इन प्रोडक्ट्स में मार्जिन भले ही बहुत कम होता है, पर इस कम मार्जिन को ज्यादा सेल करके बैलेंस आउट किया जा सकता है। इन लो मार्जिन के बावजूद डीमार्ट अपने कस्टमर्स को हैवी डिस्काउंट ऑफर करता है और यही डीमार्ट की सबसे बड़ी ताकत है जो लाखों कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती है। असल में डिस्काउंट कस्टमर्स के लिए एक डिमांड पुल के रूप में काम करता है जो गुड की ओवरऑल सेल को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। साथ ही कई बार इन डिस्काउंट की वजह से लोग ओवर स्पेंड करते हुए वो सामान भी खरीद लेते हैं जिन्हें उनकी जरूरत भी नहीं होती। इस बड़े डिस्काउंट गेम की वजह से डीमार्ट के पास लॉयल कस्टमर का एक बड़ा पूल तैयार हो गया है जिन्हें इस बात का भरोसा है कि डीमार्ट हमेशा उन्हें बेस्ट प्राइस ही ऑफर करेगा। ये बात रिसर्चर्स में भी सामने आई है कि बाकी सुपरमार्केट्स के मुकाबले डीमार्ट अपने प्रोडक्ट्स पर लोवेस्ट प्राइस ऑफर करता है। कैपिटल माइंड द्वारा पब्लिश किया गया ये चार्ट हमें बताता है कि ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में डीमार्ट ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करता है। एक और पब्लिश डेटा ये रिवील करता है कि डीमार्ट में अवेलेबल 55% आइटम्स ऐसे हैं जिनका प्राइस बाकी सुपरमार्केट्स के मुकाबले लोवेस्ट है। जब कस्टमर्स को इतने हैवी डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं तो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर उन्हें डीमार्ट का रुख करने पर मजबूर कर देता है। पर आखिर एफएमसीजी जैसे लो मार्जिन बिजनेस में भी डीमार्ट अपने कस्टमर्स को इतने हैवी डिस्काउंट्स ऑफर कैसे कर पाता है और इतने क्लटर्ड मार्केट में भी इतनी हाई वॉल्यूम सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रजिस्टर कर पाता है? इन सभी बातों को समझने के लिए हमें डीमार्ट के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। तो उसे कहते हैं कि अगर किसी बिजनेस को बड़ा बनाना हो और अपने कंपटीशन को बीट करना हो तो उसके लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल का होना बेहद जरूरी है। बिजनेस मॉडल एक ऐसा स्ट्रेटजिक प्लान है जिससे ये तय किया जाता है कि कंपनी किस तरह काम करेगी, किस तरह से अपनी सेल्स को बढ़ाएगी, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगी और पैसे किस तरीके से कमाएगी। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इस बात को डीमार्ट बखूबी समझता है। इसीलिए डीमार्ट का विजन है भारत में सबसे बड़ा लो प्राइस रिटेल सुपरमार्केट बनना, और अभी तक डीमार्ट का बिजनेस मॉडल इस गोल को अचीव करने में काफी मददगार साबित हुआ है। एक अच्छे बिजनेस मॉडल की वजह से डीमार्ट ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है और आज इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट चेन बन चुका है। डीमार्ट का बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल और प्रूवन है कि जियो मार्ट और बिग बाजार जैसी बड़ी सुपरमार्केट चेन्स के कई सारे स्टोर्स जहां आए दिन बंद होते रहते हैं, वहीं 20 साल से ज्यादा के इतिहास में आज तक डीमार्ट के सिर्फ 2 स्टोर्स बंद हुए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उन 2 स्टोर्स को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन सप्लाई सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। डीमार्ट के इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक बड़ा श्रेय उसकी टारगेट ऑडियंस को जाता है, क्योंकि डीमार्ट का बिजनेस मॉडल इंडिया के एक बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करता है। इंडिया में पॉवर्टी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और एक बड़ी पॉपुलेशन लोअर इनकम से मिडिल क्लास में शिफ्ट हो रही है। 2022 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा रिलीज की गई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने बताया कि 2005 से 2021 के बीच इंडिया के 415 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, यानी लोअर इनकम ग्रुप से मिडिल इनकम में अपग्रेड हो रहे हैं, और यही ग्रुप्स डी मार्केट की टारगेट ऑडियंस हैं, जो लो कॉस्ट गुड्स की तलाश में रहते हैं। लो कॉस्ट पर जबरदस्त क्वालिटी और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देने की वजह से बाकी सुपरमार्केट्स और रिटेलर्स के मुकाबले डी मार्ट ज्यादा बड़ी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाता है। हर दिन एक डी मार्ट स्टोर में ऑन एन एवरेज 1000 लोग विजिट करते हैं, पर इतने बड़े फुटफॉल का सबसे बड़ा रीजन है प्रोडक्ट्स पर ऑफर की जाने वाली लो प्राइस, जो इस बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट है। असल में डीमार्ट अपने मार्जिन्स को बाकी सुपरमार्केट से लो रखता है और इसीलिए डीमार्ट एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से काफी कम दाम पर प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाता है। डीमार्ट का मानना है कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, उसी तरह लो मार्जिन से भी हायर प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी ओवरऑल सेल या आपका ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम हाई होना चाहिए।
आज भले ही डीमार्ट किसी गुड या कॉमोडिटी की सेल पर अपने बाकी कॉम्पिटिटर के मुकाबले कम मार्जिन अर्न कर रहा हो, लेकिन उसका ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम इतना बड़ा है कि कंपनी के प्रॉफिट चार्ट को वो ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट कर देता है। साथ ही इस लो मार्जिन को बैलेंस करने के लिए डीमार्ट ने रेवेन्यू मॉडल को इफेक्टिवली डिजाइन किया है, जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डीमार्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक स्लॉटिंग फीस चार्ज करता है। स्लॉटिंग फीस का मतलब ऐसा अमाउंट से है जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा सुपरमार्केट को पे किया जाता है, ताकि उसके प्रोडक्ट को सेल के लिए सुपरमार्केट की शेल्फ पर रखा जा सके। और जैसा हमने पहले बताया कि डीमार्ट में कंज्यूमर फुटफॉल बहुत जबरदस्त है, और इसी वजह से कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट्स को शेल्फ पर लगाने के लिए डीमार्ट एक एक्साइटिंग सुपरमार्केट बन जाती है। इस स्लॉटिंग फीस के कारण डीमार्ट के लिए प्रोडक्ट की परचेजिंग प्राइस कम हो जाती है, और इस वजह से डीमार्ट हैवी डिस्काउंट्स को ऑफर कर पाता है, जो लार्ज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई सुपरमार्केट किसी कंपनी से प्रोडक्ट अपने स्टोर्स में सेल के लिए खरीदता है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स उन्हें क्रेडिट पर दिए जाते हैं। यानी सामान तो सुपरमार्केट को डिलीवर कर दिया जाता है, लेकिन कंपनीज को उनकी पेमेंट सेल्स होने के बाद मिल पाती है। कंपनी द्वारा सामान को सुपरमार्केट पहुंचाने और उसके सेल के बाद मिलने वाली पेमेंट के प्रोसेस को क्रेडिट साइकिल कहते हैं। अपने हाई टर्नओवर और क्विक सेल्स के कारण डीमार्ट से जल्द ही सारा कंपनी स्टॉक खाली हो जाता है, और इस वजह से उन्हें पेमेंट जल्दी मिल पाता है। एक डेटा के अनुसार इंडस्ट्री में नॉर्मली जहां कंपनीज को पेमेंट मिलने में 30 से 40 दिन का समय लगता है, वहीं डीमार्ट इंश्योर करता है कि कंपनीज को 7 दिन के अंदर उनका पेमेंट मिल जाए। पूरी इंडस्ट्री में डीमार्ट का क्रेडिट साइकिल फास्टेस्ट है, लेकिन इससे कस्टमर्स को क्या फायदा मिलता है? तो देखिए, जनरली कंपनीज के वेंडर्स को लेट पेमेंट की वजह से कैश फ्लो की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन डीमार्ट की फास्ट क्रेडिट साइकिल की वजह से उन्हें इस प्रॉब्लम से भी निजात मिल जाती है। इस फास्ट क्रेडिट साइकिल की वजह से कंपनीज और वेंडर्स और भी डिस्काउंटेड प्राइस पर डीमार्ट को प्रोडक्ट देने को रेडी हो जाते हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को मिलता है। डीमार्ट के लिए लोगों द्वारा एक कहावत इस्तेमाल की जाती है कि डीमार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट शेल्फ पे एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकता, यानी एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाता है। यही कारण है कि डीमार्ट को ज्यादा बड़ी इन्वेंटरी को बनाने और मेंटेन करने की जरूरत होती है। इसीलिए दूसरे सुपरमार्केट ब्रांड्स के कंपैरिजन में डीमार्ट अपने स्टोर्स के लिए प्रोडक्ट्स को ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करता है। बल्क में प्रोडक्ट खरीदने के कारण प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट काफी लो हो जाती है, और सामान सस्ते दाम पर कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। बल्क ऑर्डर्स की वजह से पैकेजिंग के खर्चे में भी सेविंग होती है, क्योंकि छोटे ऑर्डर्स की पैकेजिंग कॉस्ट के मुकाबले बड़े ऑर्डर्स की पैकेजिंग कॉस्ट लो होती है। इसके अलावा इतने बड़े ऑर्डर्स को एक बार में शिप करने के कारण लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है, और ये कॉस्ट का रिडक्शन इनडायरेक्टली सीधा कंज्यूमर को मिलता है। डीमार्ट और दूसरे सुपरमार्केट चेन्स में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है स्पेस को रेंट पे ना लेने की स्ट्रेटजी। डीमार्ट जहां पे भी अपने स्टोर्स को खोलना चाहता है वो जगह को परचेज कर लेता है, जबकि दूसरे सुपरमार्केट चेन्स रेंट पे जगह लेके स्टोर्स खोलते हैं। इससे डीमार्ट पहले तो काफी हैवी एक्सपेंसेस करता है उस प्लेस को खरीदने के लिए, लेकिन हर महीने रेंटल में ऑन एन एवरेज रेवेन्यू का 5-7% सेव भी करता है। ये ह्यूज स्टोर स्पेसेस ओन करने की स्ट्रेटजी डीमार्ट को एक एसेट हैवी कंपनी बना देती है। डीमार्ट के सभी स्टोर्स बेहद लार्ज सिंगल फ्लोर वेयरहाउस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और स्टोर्स को ऐसा बनाने के पीछे भी एक स्ट्रेटजी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन स्टोर्स का इस्तेमाल वेयरहाउस की तरह भी किया जा सके, और इन्वेंट्री और सप्लाई चेन्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। रिलायंस रिटेल जहां ऑन एन एवरेज 1000 स्क्वायर फीट के स्टोर ओपन करता है, वहीं डीमार्ट का स्मॉलेस्ट स्टोर भी 10,000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। ऑन एन एवरेज डीमार्ट का एक स्टोर 40,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होता है। उसके अलावा जहां बिग बाजार और रिलायंस रिटेल के स्टोर्स आपको मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या रेजिडेंशियल एरियाज में मिलेंगे, वहीं डीमार्ट अपने स्टोर्स के स्ट्रक्चर्स को लोकेलिटी के हिसाब से भी दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। क्राउडेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में डीमार्ट रिलेटिवली स्मॉलर स्टोर्स बनाता है, ताकि वहां हैवी फुटफॉल को रजिस्टर किया जा सके। वहीं शहर से दूर चीप लैंड को खरीद के बड़े बड़े वेयर हाउसेस भी बनाए जाते हैं। एक पैरामीटर जिसके लिए डीमार्ट नहीं जाना जाता वो है उसका कस्टमर एक्सपीरियंस, और इस कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट पर डीमार्ट कोई खर्चा ना करके बहुत सारा पैसा सेव करता है। बाकी सुपरमार्केट चेन्स में जहां अच्छी डेकोरेशन, लाइटनिंग
और जबरदस्त एम्बियंस देखने को मिलता है, वहीं डीमार्ट के स्टोर्स बेहद सिंपलिस्टिक होते हैं और एक वेयरहाउस की तरह दिखते हैं, जिसे बनाने में लीस्ट पॉसिबल खर्च किया जाता है। इसकी वजह से पीक शॉपिंग आवर्स में कई बार लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसके डिस्काउंट्स की वजह से लोग लौट कर डीमार्ट के पास जरूर आते हैं। डीमार्ट का कॉस्ट सेविंग मॉडल इतना एक्सट्रीम है कि एक समय राधाकृष्ण दमानी अपने सुपरमार्केट स्टोर्स में एसी लगाने के भी खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और एसी का इंस्टॉलेशन स्टोर्स पर कराया गया। डीमार्ट लोकलाइज्ड और रीजनल प्रोडक्ट्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस करता है। दूसरे सुपरमार्केट चेन्स के सारे स्टोर्स में जहां हर प्रोडक्ट का सिमिलर ब्रांड अवेलेबल होता है, वहीं डीमार्ट में अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस पर किसी प्रोडक्ट का लोकल ब्रांड प्रेफर किया जाता है तो डीमार्ट उस लोकल ब्रांड को भी अपने स्टोर की शेल्फ पर जगह देता है। इससे डीमार्ट को कस्टमर एक्विजिशन में हेल्प मिलती है, क्योंकि कस्टमर को वो हर चीज़ मिल जाती है जो वो खरीदना चाहता है, चाहे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट हो या फिर एक लोकली मेड प्रोडक्ट। दोस्तों, भले ही डीमार्ट इतना सक्सेसफुल सुपरमार्केट ब्रांड हो, लेकिन फिर भी वो इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोसर नहीं बल्कि सेकंड लार्जेस्ट ग्रोसर है। डीमार्ट का लास्ट ईयर रेवेन्यू 30,353 करोड़ रुपीस था और इसने 7.1% प्रॉफिट के साथ 2,181 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया। लेकिन इंडिया में टॉप रिटेलर्स में पहले पोजिशन पर है रिलायंस रिटेल, जिसने पिछले साल का रेवेन्यू 1,90,000 करोड़ किया था, जो डीमार्ट के रेवेन्यू से 6 गुना से भी ज्यादा है। 2.6% प्रॉफिट मार्जिन के साथ रिलायंस ने 4,935 करोड़ रुपीस कमाए, जो डीमार्ट से ज्यादा है। लेकिन स्टोर स्पेसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिलायंस जहां पर स्क्वायर फीट 905 रुपीस का प्रॉफिट बनाता है, वहीं डीमार्ट पर स्क्वायर फीट 1335 रुपीस का प्रॉफिट रजिस्टर करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही रिलायंस रेवेन्यू और मार्केट शेयर में लीड करता है, बट इसके बावजूद डीमार्ट ही ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल है। लेकिन यहाँ पे इस बात को भी कंसीडर किया जाना जरूरी है कि अब रिलायंस रिटेल का एक बड़ा प्रॉफिट जियो मार्ट से आता है, जिसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू 69,267 करोड़ रुपीस था। जियो मार्ट की शुरुआत 2019 में की गई है, यानी बेहद कम समय पहले शुरू होने के बावजूद डीमार्ट के रेवेन्यू से डबल रेवेन्यू अकेले जियो मार्ट जनरेट कर रहा है। और यही रिलायंस रिटेल और उसकी सब्सिडरी जियो मार्ट डीमार्ट का सबसे बड़ा कंपटीशन बनकर सामने आई है। इंडिया के बिजनेस जॉइंट मुकेश अंबानी की कंपनी होने के कारण रिलायंस रिटेल के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है और इसलिए रिलायंस धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करती जा रही है। डीमार्ट के 324 स्टोर्स के मुकाबले रिलायंस रिटेल के 15,000 से ज्यादा स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं। रिलायंस रिटेल डीमार्ट को बीट करने के लिए काफी सारी टेक्निक्स अपना रहा है, जैसे कि हर सामान की डोरस्टेप फ्री डिलीवरी, जबरदस्त स्टोर्स का नेटवर्क, कंज्यूमर को डीमार्ट से भी ज्यादा वैरायटी का सामान अवेलेबल करवाना एक्सेट्रा। कुछ समय पहले ही रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार के ओनरशिप वाली फ्यूचर ग्रुप के साथ हाथ मिलाए हैं, जिसके बाद से ही रिलायंस रिटेल का मार्केट शेयर 22% से बढ़कर 38% पहुंच गया है और अब जियो मार्ट के एक्सपेंशन के साथ ये नंबर फर्दर इंक्रीज हो गया है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में डीमार्ट को रिलायंस से और भी ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। डीमार्ट के जबरदस्त बिजनेस मॉडल से रिटेल इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने वाले राधाकृष्ण दमानी आज रिटेल किंग ऑफ इंडिया और वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया जैसे नामों से भी जाने जाते हैं और 20 साल से भी ज्यादा समय तक ये अंगद के पांव की तरह रिटेल इंडस्ट्री में मजबूती के साथ टिके रहे हैं। पर इंडियन हाउसहोल्ड कंजम्पशन मार्केट सोने की खदान की तरह है, इसका टोटल साइज $1.3 trillion का है, यानी इसमें बाकी प्लेयर्स के लिए भी काफी जगह है और इसीलिए इन्वेस्टर्स हमेशा इस सेक्टर पे नजर गड़ा कर बैठे रहते हैं। लेकिन भागती हुई जिंदगी में समय की कमी की वजह से लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर कर रहे हैं। फास्ट डिलीवरी, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और अट्रैक्टिव प्राइसेस की वजह से लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के एंड तक ई कॉमर्स ग्लोबल रिटेल सेल्स का 20.4% कंट्रीब्यूट करेगा, इसकी टोटल वैल्यू $5.7 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी ई कॉमर्स इज द फ्यूचर। ई कॉमर्स के आने के बाद से सुपरमार्केट का फ्यूचर काफी डेजी दिखने लगा है और ई कॉमर्स ने इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट और जियो मार्ट जैसे कई सारे ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स के ऑप्शंस लोगों को दिए हैं। इन जायंट्स के पास डीमार्ट का मार्केट शेयर लेने का पोटेंशियल है और इसीलिए इनसे कम्पीट करने के लिए डीमार्ट ने भी डीमार्ट रेडी नाम का एक वेंचर शुरू किया है। लेकिन दिल्ली अभी दूर है क्योंकि डीमार्ट का ई कॉमर्स बिजनेस में एक्सपीरियंस काफी कम है।
डीमार्ट फ्री डिलीवरी प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करता और चाहता है कि कस्टमर ही ऑर्डर्स डायरेक्टली उनके स्टोर से पिक करें ताकि डिलीवरी कॉस्ट को कट किया जा सके। अल्टीमेटली डीमार्ट की टॉप प्रायोरिटी है यूनिट इकोनॉमिक्स को फिक्स करना और प्रॉफिट्स को बढ़ाना, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी के साथ इस गोल को अचीव करना एक मुश्किल काम है जिसे डीमार्ट को फिगर आउट करना होगा। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या डीमार्ट रेडी डीमार्ट सुपरमार्केट की ही तरह एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन पाएगा और किस तरह डीमार्ट इस रिटेल इंडस्ट्री में रिलायंस रिटेल और ई कॉमर्स जायंट के सामने सस्टेन कर पाता है। दोस्तों, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से भी हो सकती है और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, ई कॉमर्स मार्केट शेयर इज स्टेडली इंक्रीजिंग इन द इंडियन मार्केट, एक्सप्लेन द चैलेंजेस इट ब्रिंग्स टू ट्रेडिशनल रिटेल जायंट्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।